जो व्हाट्सअप गाइस गाइस आप सभी लोग वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। तो गाइस अगर आप लोग नया नया पीसी में के अंदर अपने फ्री फायर को डाउनलोड किया है ना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये की मैपिंग कैसे सेट होगा, क्या क्या करना है, मतलब कैसे गेम वो खेलना है, ये सारी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को गाइस एंड तक देख के जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो ना ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली बनाई है। ठीक है, आप लोग नए नए पीसी प्लेयर अगर आपको कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है भाई कैसे कैसे क्या करना है, आपको कैसे फ्री फायर को खेलना है पीसी के अंदर, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देख के जाएंगे। इस वीडियो के अंदर कैसे आप लोगों को जो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गाइस वो यहाँ पर की मैपिंग। ठीक है, आप लोगों को उसको कैसे सेट करना है, ठीक है, क्या 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 बटन से मतलब आपको क्या की मैपिंग रखनी है ना, आप लोगों का इस एक्स एंड वाई से स्टीट पर ये सारी चीज़ आप लोगों को कवर करने वाला। ठीक है, आपका जॉयस्टिक ग्लिच हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला। और एंड में गाइस आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग जो आपका जो गेम प्ले गाइस वो मतलब बहुत बहुत ही जल्दी आपका जो प्रैक्टिस है वो पीसी के अंदर हो जाएगा, अपने जो पीसी का जो गेम प्ले गाइस उसको अच्छा बना पाओगे। तो वीडियो गाइस एंड तक देखना, और हाँ भाई फिर से बता देता हूं वीडियो केवल बिगिनर्स के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो चलो बाकी यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो गाइस मैंने आप सभी लोगों को बताया था पिछली वाली वीडियोस के अंदर जो कि आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करना ब्लूस्टैक 5, उसके अंदर कैसे आपको जो है फ्री फायर को इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, इसके वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को की मैपिंग सेट करने को बताऊंगा, क्योंकि की मैपिंग जो है ना गाइस, अगर आप लोग की मैपिंग सेट कर लिए मतलब की मैपिंग सेट करना सीख गए एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी अगर आप लोगों ने सेट कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने ट्विक सेट कर लिया, तो मतलब आपको मतलब भाई समझ लो आप पीसी प्लेयर बन ही गए। ठीक है, तो आप लोगों का इस यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे करनी, चलो आप लोगों को मैं एक एक करके बताता हूँ। तो जैसे ही जब हम लोग देखो क्या होता है ना, जब हम लोग ब्लूस्टैक 5 को गाइस इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जो है एक डिफॉल्ट की मैपिंग मिलता है, जो कि मतलब भाई टट्टी का भी टट्टी होता है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा की मैपिंग जिसको गाइस यहाँ पर आप लोगों को चेंज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को पहला स्टेप यही करना कि भाई ये जो भी है ना इसको डिलीट मार दो। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग उधर कर्सर ले जाओगे अपना माउस वाला, वहाँ पर आपको छोटा सा डिलीट वाला ऑप्शन दिखेगा जो कि थोड़ा मुश्किल काम होता है भाई करना, मतलब टाइम लगता है, तो आप लोग गाइस सारी चीज़ों को डिलीट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैं एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है सबको डिलीट कर दो, अपने गाइस यहाँ पर अपने हिसाब से की मैपिंग सेट करनी है। और हाँ, की मैपिंग क्या होता है ये मैंने बताया नहीं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, वैसे तो आप लोग जानते हो भाई, आप लोग समझदार हो, बट अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर देखो की मैपिंग जो होता है ना गाइस, वो बेसिकली अपने को किस बटन से मतलब कीबोर्ड या फिर माउस से किस बटन से हमको कौन सा फ्यूचर यूज़ करना है, लाइक हमको किसे फायर करना है, किसे ग्लूगन लगाना है, किसे अपने को गन स्विच करना है, ये सारी चीज़ें गाइस कौन कौन से बटन से करनी है। ठीक है, वही चीज़ हमको सेट करनी पड़ती है अपने ब्लूस्टैक के अंदर, जिससे हम लोग अपने गेम को खेल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैं फटाफट से इसको बंद कर इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपका जो टाइम कम से कम लगे। तो चलो ओके, तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारा ऑप्शन जो है डिलीट कर दिया। ठीक है, एंड लिटरली मेरे को भाई 5 मिनट लग गए इसको डिलीट करने, एक एक करके बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को डिलीट कर देना। अभी गाइस यहाँ पर आपको जो साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनमें से आपको दो चीज यहाँ पर लाना, जैसे देखो जो पहला गाइस यहाँ पर डी पैड, ठीक है, इस पर आप लोग ऐसे माउस के लेफ्ट क्लिक करना। ठीक है, एंड इसको यहाँ पर खींच के ऐसे उठा लेना। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग कर देना आप लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका जो भी जॉयस्टिक होगा उसके उसके साइज के हिसाब से रखना। यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, ये भाई थोड़ा सा ना मतलब बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, तो देखो भाई अपने अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आप लोग अपने जॉयस्टिक के हिसाब से रखना, जैसे यहाँ पर देखो मैं रख दिया। एंड सेकंड चीज कैसे यहाँ पर आपके आपको लानी है इसे एम एंड पेन एंड शूट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको नहीं लागो तो आपका जो गेम है वो चलेगा ही नहीं, मतलब गेम बोलो आपका जो कैरेक्टर है वो भाई आपके माउस से कंट्रोल से आएगा नहीं, तो इसको जरूरी होता है लाना। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ला दिया। एंड अभी चीज यहाँ पर आपको बटन कैसे सेट करना है। ठीक है, तो देखो सिंपली गाइस करना कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर दो बार राइट क्लिक करने से, यहाँ पर देखो लेफ्ट क्लिक करना, सॉरी राइट क्लिक नहीं करना, आप जैसे मेरे को अभी गन स्विच करने वाले के लिए मतलब लगाना है, तो यहाँ पर मैंने इसको दो बार क्लिक किया तो आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जिस बटन से देना है, लाइक मेरे को अभी इसको स्विच करना है 2 से। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मेरे को अभी यहाँ पर इसको करना है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया, एंड इसको मेरे को इसको करना है 4 से, तो यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, एंड ऊपर मेरे को जो है रीलोड करना है आर से, एंड उसके बाद कैसे अपने को यहाँ पर जंप करना है वो करना है स्पेस से। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा की मैपिंग सेट करना, ऐसा भाई सेम टू सेम मतलब मत कॉपी करना, हाँ चाहो तो कॉपी कर सकते हो बट मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, एंड हाँ यहाँ पर एक और चीज करना कि जो माउस होता है ना मतलब जो फायर बटन होता है उसको आप लोग जब माउस का गाइस राइट क्लिक होता है राइट वाला बटन, यहाँ पर आप लोग लेफ्ट क्लिक ऐसे दो बार करना एंड उसके बाद राइट क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपको वो राइट क्लिक बटन से आ जाएगा, तो जब भी आप लोग राइट क्लिक करोगे माउस का तो आपका जो फायर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने आलोक के लिए लगा दिया X बटन। ठीक है,
एंड इसी तरीके से गाइस आप लोगों को लगाना है सिंपल सिंपल, आपको चाहो तो मेरा कॉपी कर सकते हो, बट भाई मैं यही चीज़ बार बार बोला हूँ, मेरा की मैपिंग गाइस उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जितना अच्छा की मैपिंग चाहिए फ्री फायर के लिए। आप लोग अपने हिसाब से रखोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं लगभग जो भी बेसिक चीज़ होती है यहाँ पर मैंने कर दी है, और हाँ मैं यहाँ पर एक और माइक्रो लगा लेता हूँ धीरे से। इसके बहुत ही यूजी होता है, जैसे एक बटन से अपने को दो चीज़ मतलब होता है ना, आप लोगों ने माइक्रो सुना होगा, तो यहाँ पर ये अगर आपको डिटेल में जाना तो इसके ऊपर आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि कैसे माइक्रो लगाते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से कैसे ग्लू वॉल के लिए लगा लेता हूँ, आपको ये इसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला है घंटा बैठ के कि भाई ये क्या का इसे कैसे करता है, ठीक है। तो 0.1 गाइस सभी देख सकते हो मैंने जो भी चीज़ें मतलब कर ली, ठीक है। एक बेसिक मेरे को यहाँ पर देखो 20 है वो बी मत देखो, वो बी से सिंपल वो लगता है, वी से गाइस मेरा जो कैरेक्टर है वो लेके बैठ जाता है, मतलब मैं वी बटन दबाऊंगा तो मेरा जो कैरेक्टर वो लेके बैठ जाएगा, वो माइक्रो उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो दूसरा वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जंप करने के गाइस यहां पर मैंने स्पेस बार दे रखा है, दौड़ने के लिए यहां पर शिफ्ट बटन, ठीक है, बैक होने के लिए यहां पर टैप बटन, और यहां पर मेटल लगाने के लिए 5, एंड यहां पर ये सारी चीज गन स्विच करने के लिए 2, 3, 4। ये मेरा थोड़ा सा मतलब अजीब है, तो आप लोग देखोगे अगर फर्स्ट टाइम तो वही आपको लगेगा, ठीक है। एंड इतना की मैपिंग हो गया, और बाकी यहां पर आप लोग ऊपर भी रख सकते हो, जैसे ये तो उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं भाई, ये तो हम लोग माउस को कर्सर को अनलॉक लॉक करके यहां पर कर सकते, तो अभी आपको वो भी बताता हूं माउस कर्सर को कैसे लॉक अनलॉक करना है, ठीक है। ये सारी चीजें बंदे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देते, ठीक है। अभी सेव कर दिया, अभी यहाँ पर अपना काम ये हो गया, मतलब इतना तो हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना गाइस, अपने को सिंपली करना कुछ भी, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आपका ये नहीं दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने R234 करा कर ना, ये बेसिकली अगर आप लोग जब नया लोगे ना, जब नया स्टार्ट करोगे तो आपका मतलब उतना याद नहीं रहेगा, ठीक है भाई मैंने कौन सा बटन कौन सा लगा रखा। तो यहाँ से आप लोग जो छोटा छोटा ये देख रहे हैं ना भाई कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आपको माउस वाला आइकन, माउस बोला कीबोर्ड वाला आइकन, उस पर आप लोग क्लिक करना, यहाँ पर आपका ऑन स्क्रीन कंट्रोल, अगर ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है, ध्यान से कर लेना। एंड अभी हम लोग ऐसे यहाँ पर चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, एंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर की मैपिंग कैसा हुआ है, ठीक है। तो अभी गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पर सभी चीज़ें कर ली, एंड अभी देखो जैसे ही मैं अभी यहाँ पर अपने एक और प्रॉब्लम आती है माउस कर्सर लॉक अनलॉक कर, ठीक है। तो देखो ये जो कर्सर दिखना है ये आपका मतलब हटेगा नहीं, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज हो गए भाई इसको कैसे करना है, तो आपको गाइस इसको करना है F1 से, ठीक है। जैसे आप लोग अपने बटन कीबोर्ड के अंदर F1 दबाओगे तो ये आपका हट जाएगा, एंड इससे आप आराम से अपना कैरेक्टर मूव कर सकते हो, ठीक, मतलब आपका माउस से आ जाएगा, जैसे माउस जैसे घुमाओगे तो एक स्क्रीन घूमने लगेगा, बट अगर वहीं पर ये कर्सर ऑन मतलब ऑन होगा तो भाई ये जो कोई ये नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का अलग ध्यान रखना, कर्सर को ऑफ कर देना, एंड अभी देखो जैसे मैं मेरा कैरेक्टर को मूव करूँ तो मेरी जो सेंसिटिविटी वो बहुत ज़्यादा, तभी इसको हम लोग इसको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा सेंसिटिविटी को। एंड यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत अभी देखना जॉयस्टिक ग्लिच भी होगा, ठीक है, मतलब जो जॉयस्टिक है वो ऑटोमेटिकली यूज होने लगा, तो ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बंदों को होती है, तो इसलिए भाई मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो को पूरा देख के जाना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये भैया ये मतलब इतना भयानक वाला भाग रहा है, अभी तो जॉयस्टिक ग्लिच नहीं हो रहा बट आपका होगा, देखो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली जॉयस्टिक यूज होने लगा, ठीक है। तो इस ग्लिच को कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग यहाँ पर आ जाना वापस से ओपन एडवांस एडिटर कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद गए हम लोगों ने ये जो चीज़ एम पेन एंड शूट को यहाँ पर उठाया था, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर इसके साइड में आप इसके पास आप लोग जो है ये माउस कर्सर को लेके जाओगे, यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे आप लोग क्लिक करें, यहाँ पर ये हो गया सॉरी, हाँ यहाँ पर आप लोग सेटिंग पे क्लिक करोगे गाइस, जैसे आप लोग सेटिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर नीचे गाइस यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टीज के नीचे जो चौथा वाला ऑप्शन है पांच वाला ऑप्शन में ट्विक से दिख रहा है, ठीक है, ये 0 होगा अगर आप इसको जैसे मैंने बताया इसको ऐसे करके तो 0 होगा, इसको आप लोग कर लेना 16450, ठीक है। ये डिफॉल्ट ट्विक आता है, ये जो ट्विक है ना गाइस जब आप लोग गेम को खेलोगे थोड़ा सा तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई ये सब का क्या काम होता है। वैसे गाइस इसके ऊपर हमें जो मेरे चैनल पर जो एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो अभी तो बनी नहीं है बट हो सकता है जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो बन चुकी होगी, ठीक है। 16450 को कर लेना, एंड अभी गाइस देख सकते हो हमारा जो सेंसिटिविटी वो एकदम एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। मेरा जो माउस का DPI है गाइस वो 2400 है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर यहाँ पर मेरा कम करता हूँ तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता, हाँ आपको जो जनरल थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। एंड अभी गाइस एक और चीज़ जो कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि मैं भी गैजेट सेट करने सिंपल एंड उसके बाद आपको ट्विक्स बताया, एंड अभी एक और चीज़ गाइस यहाँ पर एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी, ठीक है। तो देखो ये जो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी है इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा है, इसको भी आपको अपने हिसाब से रखनी पड़े, बट सिंपल मैं आपको भी बता दूं अगर आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स की अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फ्री फायर मैक्स की बता रहा हूँ, अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स खेलते हो तो इसको आप लोग कर लेना 0.98 एक्स को, एंड वाई को आप लोग कर लेना 1.20, ठीक है।
1.20 इसको कर लेना, उसके बाद इसको हटा देना, ठीक है। उसके बाद गाइस जनरल में आप लोग ये जो भी है इसको जनरल को कर लेना 32, रेड डॉट को कर लेना गाइस 0, ठीक है। अगर आपका जो कैरेक्टर है वो मतलब ऐसा भागेगा, मतलब ऐसे आपको भी बहुत सोलो ऐसे मूव होगा, तो आप लोग जो जनरल है गाइस, आपका जो जनरल होता है इसको आप लोग बढ़ा लेना, ठीक है। मतलब इसको आप लोग बढ़ा लोगे तो आपका जो थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, ठीक है, या भागने लगेगा। बाय द वे यहाँ पर जो 2400 DPI पे मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छा भागता है। तो मेरा जो सेटिंग है गाइस वो यही रहा, देखो यहाँ पर मेरा सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा एडजस्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा रुको, इसको मैंने बढ़ा दिया ना यहाँ पर, इसको मैं 32 आप से करता हूँ, तो देख सकते हो मेरा जो सेंसिटिविटी है गाइस वो ऑटोमेटिकली मतलब कितना अच्छा हो चुका है, ठीक है। एंड अभी यहाँ पर मेरा जॉयस्टिक ग्लिच वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इतना बढ़िया वाला चल रहा है। एंड अगर आपको गाइस अभी भी कोई डाउट आता है, मतलब अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आप लोग जो है हमारा मतलब मेरे को कमेंट बता सकते हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है। एंड उसके बाद गाइस अभी आप लोगों को मैं एक और लास्ट टिप बताता हूँ, लास्ट टिप जो कि है यहाँ पर बोनस टिप। अभी बोनस टिप ये है भैया कि जब भी गाइस आप लोग यहाँ पर गेम को इंस्टॉल करोगे, कीम मैपिंग वगैरह कर लोगे, तो आप लोग सिंपली करोगे भाई, इतना तो आपको पता है, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को जो ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है वो करनी बॉडी शॉट की, ठीक है। जब आप लोग मतलब पहली बार जब जाओगे ट्रेनिंग ग्राउंड, तो आपका एकदम गेम प्ले एकदम भाई बोर्ड से भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहा धीरे धीरे भाई, ऐसा नहीं कि पीछे को उठा कर पटक दिया भाई नहीं खेल पा रहा हूं मैं, आपको कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ओपन स्क्रीन कंट्रोल कैसे ऑन रखना, ठीक है। आपको कीबोर्ड पे आपको ज्यादा ध्यान रखना, जैसे अभी मैं यहाँ पर खेला हूँ, आप लोग स्टार्टिंग में वैसा नहीं खेल पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका गेम प्ले कुछ ऐसा होगा, ऐसे भागोगे भाई, ऐसे लेके भागोगे और बंदा आपको मार के इमोट भी देखेगा, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे गाइस जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप यहाँ पर बटन को यूज करने लगोगे, तो आपका जो गेम प्ले वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो गेम प्ले फास्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में गाइस आप लोगों को अभी हेडशॉट के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले आप लोग एकाध महीना खूब दबा के प्रैक्टिस करो बॉडी शॉट की, ठीक है। जब आप किसी भी बंदे को, एक पर्टिकुलर बंदे को गाइस बॉडी शॉट में किल कर पाओ, उसके बाद आप लोग जो हेडशॉट की ट्राई करना, ठीक है। हेडशॉट के रिकॉर्डिंग में गाइस जब हो सकता है, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल पर जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी, मतलब पीसी T20 के लिए काफी सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, एंड कुछ अवेलेबल नहीं है जो कि हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग गाइस देखना है तो आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको समझ में नहीं आया, वैसे तो हो सकता है समझ में आ गया हो, बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना, फिर इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में गाइस, वहां पर जो आप लोग मैसेज कर देना, आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको जो है जॉयस्टिक अगर आपको लैग इशू आता है, या फिर मतलब अगर आपका जो है मतलब एक लो इन पीसी, उसके अंदर आपको क्या क्या सेटिंग रखनी है, सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा गाइस सिंपल की मैपिंग, आप लोग कैसे की मैपिंग सेट करें, आपको एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी क्या रखनी है, एंड उसके बाद आपको ट्विक्स कैसे रखना है, ठीक है। ऐसे इसे मतलब इतना कर लोगे तो गाइस आपका जो गेम प्ले है वो भाई अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी इंटरनल इशू नहीं आएगा की मैपिंग वगैरह के रिकॉर्डिंग। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलो बाकी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।